हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार स्मित। पहले मारुति के शोरूम्स में जनरली हमको ये ऐसे वाइट कलर है ना, यही खड़े हुए दिखते थे। अक्सर लोग लेते भी यही थे भाई। डिज़ाइन भी ऐसे ही होते थे ना कि ये ज़्यादा हाई फाई नहीं था डिज़ाइन, और लोग भी लेने वाले ऐसे थे कि चलो यार सफ़ेद ले लो। कुछ हटके लेना चाहते थे तो कोई सिल्वर ले लेता था, कोई ग्रे ले लेता था, यही होता था। लेकिन अब टाइम बदल गया। अब टाइम किससे बदला? टाइम बदला इससे, नई वाली ब्रेज़ा से। आप इन दोनों गाड़ियों, इन तीनों गाड़ियों को एक फ्रेम में लेके देखें, आपको फील ही नहीं होगा कि ये मारुति की गाड़ी है। देख रहे हो, पहले डिज़ाइन इस तरह के होते थे गोल मोल से, लेकिन क्या डिज़ाइन दिया है ये। जितना प्यारा आगे से लगता है उतना ही गजब लगता है पीछे से। बिल्कुल भाई, रियर व्यू के ही तो इसके दीवाने हो रहे हैं, क्या बात है, मस्त। और भाई हर किसी को ये याद दिला रहा है रेंज रोवर की, है ना। अब याद दिलाए तो दिलाए, अच्छी बात है, जो चीज़ पसंद आ जाए वो बढ़िया होती है। ठीक, अब इसमें जब ऐसा डिज़ाइन दिया गया तो लोग यार उन्हें यार हमें कलर और चाहिए। अब इसमें अब हम सफ़ेद कलर लेने वाले नहीं रहे, तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने कर दिया ये काम। देख रहे हो कलर, क्या बात है भाई, कितना ही जच रहा है इस पे। रेड कलर ऊपर ब्लैक रूफ, अब सूट कर रहा है ये कलर इस डिज़ाइन थीम पे। आप देख रहे हो व्हील वगैरह सब, चाहे फ्रंट से देखते हैं, ये क्रोम एलिमेंट, नीचे आपको ब्लैक पार्ट, हर चीज़ मस्त लग रही है ना। और वहीं आ जाए इसके रियर पे, एक बार पीछे से लुक लेता हूँ, ये देखो क्या बात है। और रियर लुक, ओहो भाई सीरियसली, रेड कलर में बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर रेड कलर में देखते हैं ना रेंज रोवर वगैरह, मस्त लग रही है यार, बिल्कुल डिस्कवरी स्पोर्ट टाइप की लग रही है। वैसी थोड़ी दबी दबी सी, ऊपर ब्लैक कलर, नीचे रेड, शेड भी वैसी सी है। अब ये तो हो गया वाइट कलर, ये हो गया रेड कलर, अब और क्या नया है ना। अब नए में एक और कलर आया, वो है ब्लू। आपको वो दिखाता हूँ, वो खड़ा है ऊपर, अभी वहाँ चलता है। फिलहाल पहले ये रेड कलर लेने वालों को ना ऐसा देखते थे यार ये क्या कलर ले लिया, लेकिन अब डिमांड भी आप देखो शोरूमों पे जाके इस कलर की बहुत ज़्यादा है यार, रेड कलर की स्पेशली ब्रेज़ा में। ऊपर जाके देखते हैं नीला रंग जो यार जच रहा है इस पे, और वो तो अभी सिंगल टोन में ही है, वो डुअल टोन में भी नहीं है। ये है भाई, वो देख रहे हो, गलत तो नहीं कह रहा था। अभी इस पे ये लगी हुई है जो बॉडी किट वगैरह है, थोड़ी सी एसेसरी वगैरह वो सब कुछ इसमें लगी हुई है। लेकिन भाई इस तरह की डिज़ाइन थीम यार इस तरह की टोन्स पे ही अच्छी लगती हैं, कुछ हटके। हम भी अक्सर देखते हैं रोड पे चलती हुई प्रीमियम गाड़ियाँ, रेंज रोवर हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम अल्ट्रा लग्जूरियस गाड़ियाँ देखते हैं, तो उनमें वाइट कलर बहुत कम देखते हैं। उनमें इस तरह की शेड्स ही जो स्टैंड आउट करवाती है ना क्राउड से, वो इस तरह की शेड ही होती हैं, क्या बात है। एक बार जलाता हूँ इसकी लाइट, अब देखना भाई, अब तो कातिल लगेगी बिल्कुल। ओ हो अल्टीमेट लग रही है ना गजब। और इसकी ये क्लैडिंग जो मैं बता रहा था ना, एसेसरी लगी है, ये देखो क्लैडेड पार्ट ऊपर से इसमें ऐड हो रखा है। साइड क्लैडिंग हुई व्हील आर्चेस पे, उसके साथ यहाँ पर ये पार्ट हुआ अपना रब स्ट्रिप, ऊपर लगे हुए हैं ये इस तरह से, मतलब करीब 40-45 हज़ार रुपये का इसमें सामान है। ठीक है, ये सामने यहाँ पर हुआ, ठीक आर्चेस पे, और उसके साथ साथ आप अंदर देखो। बहुत से लोग कहते हैं भाई जो सीट एयर बैग होते हैं उनकी क्या कहानी होती है, तो भाई उसके लिए सॉल्यूशन जो है वो ये है। ये देख लो सीट कवर इस पर लगा हुआ है। अब आप कहोगे ये कैसा सीट कवर है, भाई यही है कहानी। देखो सीट इसमें साइड में, सीट में एयरबैग लगा है, ठीक है। अब उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, सारा सीट कवर आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन ये पार्ट छोड़ दिया गया साइड वाला, ठीक। यहाँ पर केवल ऐसे यही है यानी सही जुगाड़, बढ़िया यार। ये है पीछे से कुछ सीट कवर इस तरह से, यहाँ पर ये पूरा साइड छोड़ रखी है जिससे एयरबैग डिप्लॉयमेंट में कोई इशू ना हो, और बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है। मेन कंसर्न था यहाँ वाला, ठीक है। और बाकी लाइटिंग वाइटिंग, एक बार इंडिकेटर भी जलाते हैं इसके, बहुत सही। ओहो क्या यार गजब लग रही है यार ब्लू कलर में, वाकई में एक वो वाला फील नहीं आ रहा जो मारुति वाला फील होता है ना, कि हाँ थोड़ा इकोनॉमिकल गाड़ी है या फिर थोड़ा सा बजट फ्रेंडली गाड़ी है, वो वाला फील नहीं आ रहा। अब इसको देखते ही चाहे डिज़ाइन देखें, चाहे जो इसकी रगेडनेस है वो देखें, चाहे ये कलर देखें,
अब आपको ऐसा फील होगा कि हाँ 15 लाख 16 लाख रुपए खर्च किए हुए, साइड से निकल जा रही है गाड़ी, तो ऐसे आप इग्नोर नहीं होंगे, आप पे नज़र पड़ेगी, लोग पीछे से जब इसका लुक देखेंगे तो बीच में पढ़ेंगे ज़रूर कि भाई है कौन सी कंपनी की गाड़ी, कौन सी गाड़ी है, बहुत गजब। और बाकी वेरियंट की बात करें तो भाई अपना वही ZXi+ टॉप एंड वेरियंट है, 360 कैमरा, केवल देखने देखने में वैसे ही नहीं है कि वैसे लुक वुक मस्त है, फीचर कम हो, फीचर वगैरह भी टॉप के हैं। अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो 198 mm, लेंथ देखोगे तो वो मिल रही है आपको सब 4 मीटर, 360 कैमरा है, और ये वाली अपनी कीलेस एंट्री है, और एक बार टी इसको कर ले बंद, यहाँ देखो पूरा सॉफ्ट है, और इसमें अपनी वो वाली लाइटिंग भी है, यहाँ पर देखें ऐसे जलेगी या ऑन करूँ, हाँ ये देखो जल गई ना, तो बिल्कुल भाई अपनी एम्बिएंट लाइटिंग भी है, चारों पावर विंडो है और HUD भी है, एक बार इसको ऑन करते हैं, अच्छा चाबी अभी अंदर है, यहाँ पर HUD भी अपनी दी हुई है, और उसके साथ साथ 360 कैमरा आपको बता ही दिया, ऑटो डिमिंग IRVM अपना यहाँ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 9 इंच की यहाँ पर स्क्रीन, और साथ में भाई आर्क मिस साउंड वाला म्यूजिक सिस्टम ये भी अपनी लगी है यहाँ पर, देख रहा हूँ वहाँ जलती हुई दिख रही है, इसका फ्लैट लगी हुई है, आर्म रेस्ट साथ में ही आता है, और उसके साथ सनरूफ वगैरह सब कुछ है, मतलब ओवरऑल अगर हम कहें तो भाई जो फीचर चाहिए इस डिज़ाइन के साथ जो सूट करें, ऐसा ना हो कि खाली हमें दिख गई गाड़ी और बाद में फिर हम फीचर अगर गिनाने लगे तो वहीं आ जाएगा यार ये तो मारुति निकली, फीचर कम है, लेकिन अब इसको अगर नाम दे दिया ना टैकी वैकी वाला है ना, फ्यूचरिस्टिक और टैकी स्टाइलिश एंड टैकी, तो वो वाली चीज़ें सारी इसमें हैं। डुअल टोन में अपने मिल रहे हैं यहाँ पर डायमंड कट वाले 215/60R16 के एलॉय व्हील्स, सिर्फ आगे डिस्क मिल रही है पीछे नहीं है, और ऊपर शार्फिन एंटीना है, और उसके साथ अगर हम देखें ये यहाँ पर इस तरह से बूट स्पेस, आपको बूट स्पेस प्रीवियस जनरेशन वाले ही है, उसमें डिफरेंस नहीं है, वो 328-330 लीटर के अराउंड, ठीक है वो सब कहानी वही है। और बाकी स्मार्ट हाइब्रिड अब मिल गई है, पहले 16.5-17 के अराउंड कंपनी क्लेम करती थी क्योंकि नॉर्मल इंजन होता था, अब स्मार्ट हाइब्रिड वाला सीन कर दिया जिसकी वजह से माइलेज है 19.8, मतलब भाई वजन काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी का, हैवी यूवी लग रही है, 4-स्टार रेटेड तो आती थी, उसके बाद भी आपको इसमें जो माइलेज है 19.8 का क्लेम कर रही है, 1500 cc की गाड़ी है, और पावर देखते हैं तो करीब 102-103 bhp आपको जनरेट करके दे देती है, टॉर्क देते हैं तो 137 Nm का आपको टॉर्क दे देती है, तो भाई इस तरह से है। कलर में मज़ा आ रहा था मुझे, है ना, जो नीचे रेड कलर अभी दिखाया आपको वो, ये देखो क्या बात भाई, इस पे ज़्यादा आंखें टिक रही हैं ना, इसको देखते ही अलग सा फील हो रहा है, बिल्कुल क्या बात, ठीक है वो हो गया, और उसके साथ वाइट कलर तो है ही एवरग्रीन, कोई ज़्यादा पंगेबाजी नहीं लेना चाहते ना कि भैया हम तो सेफ चलना चाहते हैं, उनके लिए ये कलर है वाइट वाला, और बाकी बिल्कुल स्टैंड आउट होने वाले क्राउड से, अलग दिखने वाले भीड़ से, उनके लिए ये कलर हो गया, और साथ में इसके ये हो गया अपना, बहुत बढ़िया, और उसके साथ ही एक और कलर आया खाकी वाला इसमें, वो भी मतलब ग्रे जैसा सा ही है हल्का, है ना, वो भी डार्क शेड है, वो भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये जो दो कलर है ना ये बिल्कुल अलग ही चिंगल मिंगल वाले हैं, रोड पे अलग दिखाएंगे आपको। तो भाई इस तरह से रखते हैं वीडियो को फ़िलहाल, ये पुरानी जनरेशन भी खड़ी हुई है यहाँ पर एक, अब अगला वीडियो शूट करते हैं इन दोनों को साथ में रख के, मतलब मज़ा क्या है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे, अगल बगल आ जाएँ तो मज़ा अलग आ जाएगा, है ना। तो भाई वीडियो को रखते हैं इतना ही, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी हो, कलर अच्छा लगा हो, चाहे ये चाहे वो, उसके बारे में जो भी अपनी ओपिनियन है वो बताना। तो भाई करते हैं वीडियो को एंड, जय हिंद।